यार निशान भैया दिसंबर आ गया, बोलते रहते हो दिसंबर जनवरी फरवरी में ऑफ कैंपस स्टार्ट हो जाता है, बट कुछ बताओ तो सही कि अप्लाई कैसे करना है, अप्रोच किसको करना है, ऑफ कैंपस की ओपनिंग्स वगैरह कहाँ आएंगी, कैसे करना है सब कुछ, ये तो बताया ही नहीं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इफेक्टिव वे टू अप्लाई ऑफ कैंपस। कुछ दो तीन तरीके हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स, क्या क्या तुम्हें चाहिए होता है, कैसे तुम्हें अप्लाई करना है, उस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के पहले वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को तुमने अब तक नहीं किया है तो, कमेंट करके बताओ तुम्हारी ड्रीम कंपनी कौन सी है, और अब वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, ऑफ कैंपस अप्लाई करने के लिए दो चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जो पहला चीज़ है वो यार तुम्हारी स्किल्स। अब तुम बोल रहे हो भाई मेरे को बिरयानी बनानी है, बट तुम्हारे पास इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा। मतलब पहले तो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे ना। अब तुम्हें ऑफ कैंपस अप्लाई करना है तो उसके लिए तुम्हारे पास अच्छे स्किल्स होने चाहिए। तुमने कुछ डेवलपमेंट करी हो, तुम्हें थोड़ी DSLGO आती हो, तुम्हें कोई लैंग्वेज आती हो, तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। उसके बाद तुम्हें एक चाहिए होता है कि तुम्हें उससे शोकेस कहाँ करना है। तुमने बिरयानी तो बना ली, बट कोई मेन्यू तो चाहिए होगा ना, जहाँ पर तुमने लिखा होगा यार ये कौन सी बिरयानी है, वेज बिरयानी है, चिकन बिरयानी है, मटन बिरयानी है, क्या है ये। तो वो तुम्हारा रेज्यूमे होता है। अब ये दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन के बाद ही तुम जाके कहीं ऑफ कैंपस अप्लाई कर पाते हो। अब यार एक रेज्यूमे पे वीडियो बनाई हुई है काफ़ी पहले, वो तुम्हें यहाँ पे दिख रही होगी, वो तुम जाके देख सकते हो, तुम एक अच्छा रेज्यूमे कैसे बना सकते हो, उसमें सब कुछ बताया हुआ था। अब मैं मानता हूँ तुमने एक अपना स्किल्स वगैरह डेवलप कर लिए हैं, तुमने रेज्यूमे बना लिया है, तुम थर्ड फोर्थ ईयर में हो अभी एंड तुम्हें ऑफ कैंपस अप्लाई करना है, या चलो तुम सेकेंड ईयर में भी हो, तुम्हें ऑफ कैंपस अप्लाई करना है, तो कैसे करोगे अप्लाई। तो यार सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो होता है करियर साइट पे जाके अप्लाई करना। दिस इज़ नॉट द मोस्ट इफेक्टिव वे, बट इससे भी कई बार कॉल्स आ जाते हैं। मतलब मैंने खुद देखा है, जूनियर्स को देखा है, काफ़ी सारे लोगों को देखा है जिन्होंने डायरेक्टली करियर साइट पे जाके अप्लाई कर दिया था एंड कॉल आ जाता है। अब ये काफ़ी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। जैसे तुम DShaw में जाके अगर करियर साइट पे अप्लाई कर देते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि तुम्हें टेस्टिंग आ जाए, बट सिमिलरली अगर तुम जाके माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन पर अप्लाई कर दोगे तो बहुत कम चांसेस है कि तुम्हें टेस्टिंग आ जाए। सो नंबर ऑफ पीपल दे हायर या फिर कितनी ज़्यादा फेमस है वो कंपनी, उस पर भी डिपेंड करता है। अब काफ़ी सारी कंपनीज है जो रेज्यूमेज हमेशा चेक करती हैं, बट काफ़ी सारी हैं कि यार इतने सारे एप्लीकेंट्स होते हैं कि सबके वन बाय वन रेज्यूमे नहीं चेक कर पाते, तो वहाँ पे वो यूज़ करते हैं ATS। अब ATS क्या होता है? ATS होता है तुम्हारा एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। अब किसी बंदे ने अप्लाई किया तो ऐसे तो नहीं है कि जाके सारे HR सारे रेज्यूमेज को देखते होंगे, नहीं ना, वो तो मतलब ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। अगर 10,000 एप्लीकेंट्स हैं, 10,000 में से 10 निकालने के लिए वो तो मतलब पागल ही हो जाएंगे। तो क्या होता है, तुम्हारे रेज्यूमे को स्क्रीन किया जाता है एंड उस ATS के थ्रू स्क्रीन करने के बाद कुछ की वैल्यू पेयर्स आते हैं, मतलब कुछ कीज आती हैं कि तुमने क्या क्या कर रखा है, क्या क्या चीज़ें तुम्हें आती हैं, उससे तुम्हारा एक वेक्टर टाइप का बना लेते हैं। अब उस वेक्टर को बनाने के बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम किसी को अगर चाहिए कि हमें एक डेटाबेस इंजीनियर चाहिए तो क्या करेंगे, डेटाबेसेस के नाम वगैरह सर्च करेंगे, फिर उससे कुछ शॉर्टलिस्टेड प्रोफाइल आ जाएंगे। उस 5-10 हज़ार में से कुछ 100-200 आ गई, अब उनमें से उन्होंने रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करा। 100-200 में से करना तो यार ह्यूमनली पॉसिबल है ना। उसके बाद उन्होंने रेज्यूमे देखे कि अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये एक्सपीरियंस है, इसको आता है कि नहीं आता, तो फिर वो तुम्हें एक टेस्ट के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते हैं। सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, तुम्हारे लिए एक मैसेज है फ्रॉम Cryo.do। अब यार Cryo.do क्या एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका क्या मतलब है, तुम वहाँ पे प्रोजेक्ट करने से नई टेक्नोलॉजीज वगैरह सीखते हो। तो अब नॉर्मल कोर्सेज में क्या होता है, तुम्हारे पास एक या दो प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक दो प्रोजेक्ट्स को बना के तुम थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी सीख रहे होते हो, बट यहाँ पे डिफरेंट क्या है, यार यहाँ पे तुम्हें एक पूरा इंटर्नशिप लाइक माहौल बनाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे तुम्हारे बग्स वगैरह रेज होते हैं, तुम्हारी टिकट्स वगैरह रेज होती है, तुम पूरे सिस्टम के थ्रू जाते हो, तुम्हें बग सॉल्व करने पड़ते हैं, टिकट्स तुम्हें मिलती हैं एंड ऐसे तुम चीज़ें सीख रहे होते हो। एंड यार काफ़ी तुम्हें एक इंटर्नशिप टाइप की फील मिल जाती है इसके बाद। एंड यार ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद क्या होता है, तुम्हारे पास एक नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया। एंड यार रिक्रूटर्स को ना प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। प्लस यार तुम्हें पर्सनलाइज करियर असिस्टेंस भी मिलती है थ्रू आउट योर जर्नी, दैट वुड हेल्प यू लैंड अ गुड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब। ब्रो यार एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, अगर तुम नीचे वाले लिंक से जाओगे तो तुम्हें कुछ स्पेशल प्राइजेस गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे होंगे। अब उस लिंक पे जाने के बाद तुम्हें क्या करना होगा, यार अपनी एक ईमेल एड्रेस डालनी होगी। ईमेल एड्रेस डालने के बाद क्या होगा, तुम्हें 10% ऑफ डिस्काउंट मिल जाएगा इनके कोर्सेज पे, प्लस तुम्हें 25% स्कॉलरशिप का ऑप्शन भी मिल जाएगा जो तुम अवेल कर सकते हो। उसके अलावा तुम्हें गाइड टू मेनी प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल जाता है, छोटी सी गाइड मिल जाती है तुम्हें रेज्यूमे रिलेटेड, ऑल्सो एक गाइड मिल जाती है तुम्हें प्रोडक्ट बेस्ड इंटरव्यूज से रिलेटेड। सो डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। ठीक है भाई, सेकंड चीज पे आ जाते हैं, इसका नाम है रेफरल्स। यार रेफरल सुनकर ना काफी ऐसा सा लगता है कि यार किसी ने मेरे को रेफर कर दिया, अब सीधा HR को कॉल करेंगे, बोलेंगे यार तुम तो सेलेक्ट हो गए हो कंपनी में, कल से आ जाना काम करने।
बट ऐसा नहीं होता। रेफरल से क्या होता है, तुम्हारी प्रोफाइल को थोड़ा पहले प्रायोरिटी मिल जाती है, उसको फिर से स्क्रीनिंग के थ्रू गुजरना पड़ेगा, उसको फिर से तुम्हारे लाइक टेस्ट के थ्रू, सारे इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, एंड फाइनली तुम्हें एक ऑफर मिल रहा होता है। इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल रेफरल मिलते ही तुम्हें ऑफर मिल गया, ऐसा है कि तुमने थोड़ी सी टाइम को कट करके एक आगे चले गए एंड फिर तुमने सेम प्रोसेस अपना फॉलो किया है। और ऐसा भी नहीं यार हर बारी तुम रेफरल लोगे तो हर बारी तुम्हारे पास यार टेस्ट लिंक भी आ जाए। कई बारी होता है तुम्हारे रेज्यूमे नहीं शॉर्टलिस्ट होते, तुम्हें तो लग रहा है कि तुम्हें तुम्हारे पास जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं बट एक्चुअली वो ज़्यादा अच्छे नहीं है, राइट? तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो अपने स्किल्स पर हमेशा काम करते रहना है तुम्हें, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, एंड रेफरल्स वगैरह मिल जाते हैं, रेफरल्स की टेंशन नहीं लेनी है। अब यार भैया ठीक है रेफरल तो मैं ले लूँगा, बट अब किससे अप्रोच कैसे करूँ मैं, मतलब लिखूँ क्या उन्हें, बोलूँ क्या उन्हें? तो यार एक दो सैम्पल्स तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, अब इसमें तुम अपना पर्सनलाइज इसको बना सकते हो, ठीक है? हाय सर की जगह हाय जिसको भी तुम कर रहे हो, जैसे अंकित को कर रहे हो किसी, तो हे अंकित। उसके बाद तुम अपनी बता सकते हो कि तुम अभी कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तुम्हें कौन से स्किल्स आते हैं, तुमने कहीं इंटर्नशिप करी है तो कहाँ करी है। उसके बाद तुम बोल सकते हो यार दिस इज़ द जॉब आईडी, मेरे को यहाँ पे अप्लाई करना है, तो कैन यू प्लीज़ रेफर मी। अब कई लोग क्या करते हैं यार, मतलब मेरे को भी बहुत बार मैसेज आया कि भैया माइक्रोसॉफ्ट में रेफरल दे दो, माइक्रोसॉफ्ट में रेफरल दे दो। अब माइक्रोसॉफ्ट में रेफरल तो जब ही दे सकते हैं ना, तो तुम्हारे पास कोई एक जॉब आईडी होगी कि यार ये जॉब आईडी है भैया, ठीक है यहाँ पे मेरे को अप्लाई करना है, इसके लिए रेफरल दे दो। तो दिस इज़ द थिंग, लोगों को ये भूल जाते हैं बच्चे, या फिर पता नहीं उनको पता नहीं होता कि जॉब आईडी के बिना तुम रेफरल नहीं दे सकते। इट्स नॉट लाइक कि एक ब्लैक होल है उसके अंदर रेज्यूमे फेंक दिया और ऐसे कुछ निकल के आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। तो व्हेनेवर यू आर आस्किंग समवन फॉर अ रेफरल, उसके लिए तुम्हारे पास पहले जॉब आईडी होनी चाहिए, एक अच्छा रेज्यूमे होना चाहिए, एंड अपना एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख के रख लो, उसको हर जगह कॉपी पेस्ट मार देना, बट एक बार मेहनत करके वो जरूर लिख लेना। अब फाइनली यार हम आ जाते हैं लास्ट लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पे। अब एक और होता है कि रिक्रूटर्स होते हैं तुम्हारे लिंक्डइन पे, काफ़ी तुम्हें दिख जाएंगे यार रिक्रूटर्स वगैरह। अब उनको कैसे ढूंढना है तुम्हें, उन्होंने अपनी बायो में लिख रखा होता है रिक्रूटिंग फॉर दिस, रिक्रूटिंग फॉर दैट, या फिर हायरिंग, एंड ये तुम कीवर्ड्स वगैरह सर्च कर सकते हो लिंक्डइन पर। अब लिंक्डइन पर तुम कीवर्ड सर्च करोगे तुम्हें या तो पोस्ट वगैरह मिल जाएंगे या फिर लोग ही मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी प्रोफाइल में ये चीज़ लिख रखी होती है। उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, उनसे पूछो कि आर यू लाइक करेंटली हायरिंग फॉर दिस रोल, लाइक मैं इसमें के लिए मैच करता हूँ कि नहीं करता, जॉब आईडी वगैरह ढूंढो, एंड उनको बोलो कि मेरे को टेस्ट लिंक भेज दो, आई एम केपेबल इनफ टू क्रैक दिस इंटरव्यू, एंड दे विल मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू अगर तुम्हारे पास स्किल्स होंगे। मतलब घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं तो सब कुछ हो जाएगा। अब रिक्रूटर्स को कैसे अप्रोच करना है, एक तो यार वो लिंक्डइन वाला फंडा हो गया, दूसरा होता है तुम्हारे दोस्तों को भी एचआर वगैरह ने कॉन्टैक्ट किया होगा, उनकी किसी कंपनी में लगी है, चाहे वो अमेजोन में लगी है, चाहे वो किसी स्टार्टअप में लगी है, राइट? तो उनके पास ईमेल आईडी होंगी, या फिर जो तुम्हारे सीनियर्स वगैरह काम करते हैं उनके पास एचआर की ईमेल आईडी होंगी, उनसे बातचीत करो, उनसे ईमेल आईडी मांगो और कोल्ड ईमेल कर दो। मैंने किया हुआ है एंड रिप्लाई आ जाता है। अब थोड़ा तरीका अच्छा रखना, मतलब ईमेल लिखने का भी और ईमेल आईडी मांगने का भी, अगर अच्छे से करोगे तो मिल भी जाएगी, रिप्लाई भी आ जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा एंड फिर जॉब भी लग जाएगी। ठीक है यार, यही तीन शॉर्ट तरीके हैं, ठीक है? सारे तुम्हें अप्लाई करने हैं, एंड ये नहीं सोचना यार मैं एक में अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, नहीं 100 में अप्लाई करोगे तो 10 से रिप्लाई आएगा, 10 से रिप्लाई आएगा तो 5 से टेस्ट लिंक आएगा, 5 से टेस्ट लिंक आएगा तो शायद 3-4 तुम्हारे क्लियर होंगे, फिर इंटरव्यूज दोगे एंड जाके एक दो तुम्हें जॉब लग रही होगी। ठीक है, मैं एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि भाई तुम बिल्कुल तोप हो तो लगी जाएगी, भाई कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब ये इन तीनों चीज़ों का यार तुम्हें ध्यान रखना है, अपने स्किल्स पे हमेशा काम करते रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना, हो जाएगा सब। और यार 90 डेज जीएसटी चैलेंज तुम्हारा सही चल रहा होगा ना, उससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है तुम्हें, पढ़ते रहो बाद में कुछ एक डेवलपमेंट के लिए भी कुछ लेके आएंगे, उससे भी तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी। अब मेरे को मैसेज तो आते रहते हैं, लोग स्टोरीज पे भी टैग करते रहते हैं, बट मैंने एक चीज़ बोली थी यार, रोज़ मत करो वो स्पैम हो जाएगा। तुम इसको करो, पहले फर्स्ट जो तुमने कर दिया 30 डेज, देन 60 डेज, देन 90 डेज, उस चीज़ को फॉलो करो तो सही रहेगा। अब ऐसे तुम रोज़ करोगे तो लोग अनॉय हो जाएंगे, समझ रहे हो? तो सही नहीं है, मतलब अच्छी तरीके से करो चीज़ को, एक अच्छा माइलस्टोन हिट करो फिर शेयर करो तो अच्छा भी लगेगा, राइट? तो यार इतना ही था यार आज वाली वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को तुमने अब तक नहीं किया है तो पता नहीं किस चीज़ का वेट करते हो यार, वो लाल वाले बटन को ग्रे कर दो भाई, बस कर दो। ठीक है, इतना ही तैयार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।